हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील राकेश स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। उसमें मैंने ये बताया है कि कैसे आप एक्रोनिक मेथड को यूज करके अपने प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस आंसर को आप बहुत इजी वे में लर्न कर सकते हो। आज का जो मेरा वीडियो है उसी ट्रिक का दूसरा पार्ट है। आज जो मेथड आपको मैं सिखाने वाला हूँ वो मेथड बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अब यकीन मानिए, अगर आपने आज के मेथड्स प्लस एक्रोनिक मेथड्स को आपने यूज कर लिया, कंबाइन कर दिया, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप लर्न नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको उस ट्रिक का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। यस फ्रेंड, आपको उस ट्रिक का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। बेसिकली हम इसकी पेड ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बट उसमें से भी बहुत कुछ हम सिखाते हैं कि मेमोरी क्या होती है, कैसे मेमोरी वर्क करता है, कैसे सही तरीका है पढ़ने का, सही तरीका क्या है पढ़ने का, कैसे हमें रिवाइज करना चाहिए, क्या सही तरीका है पढ़ने का, क्या सही तरीका है बैठने का, कैसे इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो सारा कुछ की हम ट्रेनिंग देते हैं। बट हम बात उस ट्रेनिंग की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे मेमोरी ट्रिक की। जो कुछ भी मुझसे लगता है कि मैं आपको इस चैनल के थ्रू सिखा सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पूरी ट्रेनिंग देने का। तो चलिए हम उस ट्रेनिंग की बात करते हैं, उस ट्रिक की बात करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आज के ट्रिक में हम ये देखेंगे कि एक्रोनिम मेथड प्लस इंटरनेशनल न्यूमोनिक नंबर सिस्टम मेथड को यूज करके कैसे हम कोई सा भी क्वेश्चंस, कोई सा भी आंसर्स, कुछ भी हो, कैसे उसको लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर कितना भी बड़ा हो, कितना भी लेंदी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हम उसे बहुत सही तरीके से याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करना सीखेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बट आज मैं आपको थोड़ा सा उसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा आंसर को, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर को, नंबर वाले क्वेश्चन आंसर को, सबको बहुत इजी ढंग से लर्न कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्रोनिम मेथड्स प्लस इंटरनेशनल न्यूमोनिक नंबर सिस्टम मेथड को यूज करने के बाद कैसे हम डेट वाइज किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भले ही आप इस मेथड को यूज करें या ना करें, बट एटलीस्ट इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप यकीन मानिए, ये मेरी गारंटी है कि आप उस चीज को, उस ट्रिक को जरूर यूज करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो खुद ट्राई करेंगे, अगर आप टीचर या पेरेंट्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स और अपने बच्चों को जरूर सिखाएंगे। मैं पहले आपको एक एक्रोनिम मेथड्स का कुछ डेमो दे देता हूँ फिर से, सो दैट कि अगर आपने पिछले वीडियोस में थोड़ा भी आपको कुछ डाउट हुआ हो तो वो पहले क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरनेशनल न्यूमोनिक नंबर सिस्टम है वो क्या है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक्रोनिम मेथड्स और नंबर सिस्टम मेथड्स दोनों को कंबाइन करके हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को कैसे लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो एक्रोनिम मेथड्स का डेमो दिखा रहा हूँ वो मैं हिस्ट्री के ऊपर दिखा रहा हूँ कि कैसे हिस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आज मैंने लिया है कि मुगल टाइम पे कितने रूलर्स थे, उसको सीक्वेंस वाइज, जैसे पहले कौन से रूलर थे, उसके बाद कौन से रूलर आए, उन्होंने कितने रूलर्स इंडिया में टोटल थे, सबका सीक्वेंस वाइज हम लर्न करेंगे एक्रोनिम मेथड से। तो देखिए मैंने क्या किया, जितने भी नंबर थे, जितने भी नेम्स थे, मैंने सबको, सबके फर्स्ट लेटर से मैंने एक वर्ड बनाया है, बहु आज से अब जमींदार। मैंने क्या लिखा है, बहु आज से अब जमींदार। अब मैंने एक वर्ड बनाया है, एक सेंटेंस फॉर्म किया है इस सबके पहले अक्षर को लेके। आप देखिए, ब से बाबर, ह से हुमायूं, आ से अकबर, ज से जहांगीर, शे दैट, यहाँ पे वैसे ये से होता बट हमारा नाम इस से आ रहा है तो हमने ये श रखा है, श से शाहजहां, अ से औरंगजेब, ब से बहादुर शाह, लास्ट में समझ नहीं आया ज था तो हमने इसे ये जहादार है तो हमने इसको जमींदार लिख दिया। फ्रेंड्स, अगर आपने याद किया बहु आज से अब जमींदार, तो आप देखिएगा मुगल टाइम के जितने भी रूलर्स थे वो सिक्वेंस वाइज आपको लर्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी आप लोग इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आपको अब सिखाऊंगा इंटरनेशनल न्यूमोनिक नंबर सिस्टम, उसके बाद आपको, आप देखेंगे उसकी हेल्प से कैसे
अब जितने भी रूलर्स थे इन्होंने कितने दिनों तक, कितने साल तक, उनका टाइम क्या था, ड्यूरेशन क्या था, वो लोग रूल कर रहे थे, वो सारा कुछ आप सीख जाएंगे। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी हम सीख रहे हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल निमोनिक नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स यकीन मानिए, अगर आपको ये नंबर सिस्टम लर्न हो गया तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आंसर या कोई भी ऐसा डेट ईयर नहीं है जिसे आप लर्न नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको सीखते हैं वन बाय वन। देखिए जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन नंबरों से मिलके ही बना होता है। तो जो इंटरनेशनल निमोनिक नंबर सिस्टम है इसमें हम इनकी कोडिंग करेंगे, इनके इनका कोड लिखेंगे कि सारे का कोड क्या होता है, और उस कोड को हम यूज करेंगे क्वेश्चन आंसर को लर्न करने में। सबसे पहले नंबर आता है O 0। जीरो का कोड है S। फ्रेंड जीरो का कोड है S एंड Z, याद रखिएगा S एंड Z। उसके बाद जो नंबर है वो है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फ्रेंड्स 1 का कोड है D। 1 का कोड क्या है, आप देखिए 1 है तो याद करने का तरीका क्या है, 1 है तो आपने एक लाइन खींची और इसके ऊपर एक और लाइन खींच दी, दैट वन इज D, और X का कोड है D। ठीक है, 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है N। अगर आप 2 को उल्टा लिखेंगे तो ये N बनता है। ठीक है, देन 3, अगर आपने 3 को ऐसे लिखा तो क्या बनता है, M। ठीक है, 4, आप जानते हैं हिंदी में 4 कैसा होता है, हिंदी में 4 होता है ये, तो ये ऐसा इंग्लिश में क्या होता है, R, इसका क्या होता है कोड, R। 5, आप देखेंगे 5 को हम लिखते हैं L। ठीक है, 6, 6 को हम लिखते हैं, 6 को हम लिखते हैं G, 6 को हम लिखते हैं G, और एक्सेप्शन में CH और SH। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लिखते हैं 7, 7 का क्या होता है, 7 का होता है K और C। 8 का होता है V एंड F। 9 का होता है P एंड B। फ्रेंड्स इसको आप कुछ भी लॉजिक लगा के लर्न कर सकते हो, लाइक 9 का P क्यों है, तो आप अगर 9 को उल्टा कर देंगे तो ये P की तरफ बन जाएगा, और इसको और उल्टा कर देंगे तो ये B बन जाएगा। अब 8 लर्न करना है तो रोमन नंबर 8 कैसा होता है, 1, 2, 3, ये 8 होता है, तो आपने क्या किया इसको अलग कर दिया, ये V, और इस 3 लाइन से आपने क्या किया ये F बना दिया, तो आपको ये याद हो जाएगा। 7 के लिए ये 7, आप देखिए उल्टा 7 लिखा और लाइन खींचा तो K बन गया। इस प्रोसेस से आपको ये सारे जो कोडिंग है आपको याद करना पड़ेगा। जब आप इस कोड को याद कर लेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद दूसरा जो इसका रूल है वो है कि हम कभी भी वॉवेल्स की कोडिंग नहीं करते। इसके बाद X, Y, W एंड Z इसकी भी कोडिंग नहीं करते, हम वॉवेल्स की कोडिंग नहीं करते, और X, Y, W, Z को भी हम नहीं लिखते इसमें। वॉवेल्स की याद रखिएगा, वॉवेल्स की कोडिंग नहीं करते और X, Y, W, Z को हम नहीं लिखते हैं। अभी हमने क्या लर्न किया था, अभी हमने सारे रूलर्स के नाम याद किए थे कि वो सीक्वेंस वाइज कौन कौन से रूलर हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे रूलर के साथ उनके ईयर्स को भी हम याद कर सकते हैं। कि देखिए जैसे बाबर है, बाबर का टाइम था 1526, तो मैंने इसकी कोडिंग करी LNG। अब LNG से कुछ बन नहीं रहा था तो मैंने क्या लिखा, इसको लिखा लुंगी, LUNGI, लुंगी। प्लस इसका शासन कितने साल तक चला, तो वो चला 4 इयर्स तक, 4 का होता है R, तो मैंने क्या किया, मैं लिखा लुंगी प्लस हेयर। अब बाबर लुंगी प्लस हेयर समझ नहीं आया तो हम क्या करेंगे, एक अपने दिमाग में कुछ भी एक शूडो लॉजिक लगाएंगे। शूडो लॉजिक का मतलब कोई सा भी ऐसा लॉजिक जो एक्चुअल में लॉजिक है नहीं, बट हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक इट्स एन इट्स अ लॉजिक। इससे क्या होगा, दिमाग हमारा उस लॉजिक को याद रखेगा और उसके साथ आंसर को रिलेट कर पाएगा। तो हमने क्या किया, हम इसको बोलेंगे बाबर मीन्स बार्बर, नाई, वो क्या कर रहा है लुंगी पहन के हेयर कट कर रहा है। बार्बर क्या कर रहा है, लुंगी पहन के हेयर कट कर रहा है। हमने लिखा 526। फ्रेंड्स 1 हम अपने मन से लगाएंगे क्योंकि अब ये हर चीज की कोडिंग करना आसान नहीं है, तो हमने क्या किया 1 के लिए हमने अपने दिमाग में रखा कि जो कोई भी इस टाइम का जो भी रूलर था वो 1 के साथ स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया,
ये याद रखा कि जो बार्बर है वो लुंगी पहन के हेयर कट कर रहा है, मतलब बार्बर मीन्स बाबर। देन एल का 5 U, हमने आपको मैंने पहले बताया कि किसी भी वॉवल्स की हम कोडिंग नहीं करेंगे। देन एन का 2, जी का 6, आई अगेन वॉवल, इसकी कोडिंग नहीं करेंगे। तो हमने हमारा क्या आया 5 to 6, अपने मन से हमने 1 लगा दिया, खुद से ही 1 लगाया, ये बन गया 1526। और इसने कितने, यहाँ देखिए एच इसकी कोडिंग नहीं करते, ए आई की कोडिंग नहीं करते, आर की, आर का मतलब है 4, तो 4 मतलब 1526, इसमें 4 ईयर ऐड किया, ये बन गया 1530। फ्रेंड एक और देखते हैं, हुमायूं। हुमायूं हुमायूं का क्या होता है, इसका होता है 1530 टू 1556, मतलब जो है अब इसकी हमने कोडिंग करी तो ये लम्स, LMS बना, लम्स। तो मैंने क्या लिखा है इसको, एलम्स। क्या लिखा मैंने, एलम्स। अब एलम्स में हम ए की कोडिंग नहीं करते, यू की कोडिंग नहीं करते, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे 26 NG। तो मैंने कुछ अगेन यहाँ पे एक सूडो लॉजिक लगाया है कि और हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको ऐसा नोन फॉर्म में बना सकते हैं, ऐसा कुछ जिसको हम बहुत अच्छे से याद कर सके। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा यंग, मतलब ऐसा कोई भी इंसान या कोई भी आदमी ये जो एलम लगा के यंग दिख रहा हो, ऐसा कोई भी इंसान जो एलम्स लगा के, एलम्स मतलब फिट करी, वो लगा के यंग दिख रहा हो। तो इसको याद करने के लिए अब ये हिमायू के साथ कैसे रिलेट होगा, तो देखिए ह से हिमायू, ह से और क्या कर सकते हैं, ह से हम याद कर सकते हैं हीरोइन, एक्ट्रेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्ट्रेस होती है, जो हीरोइन होती है, वो क्या करती है, एलम्स लगाती है और उससे वो यंग दिखती है। फ्रेंड्स अब जो भी मैं बता रहा हूं, आप एक बार इसको आई क्लोज करिए और सिर्फ बोल के देखिए, आपको हर चीज याद हो जाएगा। बट अगेन आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको अगर आपको लर्न करना है तो ये सारे कोर्स, जो नंबरिंग जो ये कोर्स है, वो लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कोर्स की मदद से हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा, एक्चुअली इसकी हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। मैं यहाँ पे जितना हो सके मैं उतना आप लोग को सिखाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हीरोइन, एलम्स लगा के यंग दिखती है, वाई की हम कोडिंग नहीं करते, ओ की कोडिंग नहीं करते, यू की कोडिंग नहीं करते। तो ये, और आपको मैंने पहले बोला कि इसके आगे है 1, हम अपने मन से लगाएंगे। तो ये जो हिमायू था उसका जो पीरियड था वो था 1530 टू 1556, हमने 20 में ऐड कर दिया। अब अकबर का बात, अकबर के बारे में बात करें, जब इसका हमने कोड किया तो ये एल एल जे और 4 और 9 आ रहा था, मतलब एल एल जे आर बी ये आ रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको बनाया लाइलाज, क्या बनाया लाइलाज, और इसको बनाया रब, ठीक है। अब अकबर लाइलाज रब, समझ नहीं आया कि यार अकबर लाइलाज रब ये कैसा लॉजिक है। तो मैंने क्या किया, ये लॉजिक लगाया कि जो अखबार है, जब हम अखबार पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखा कि अखबार में कोई इंसान लाइलाज बीमारी से रब को प्यारा हो गया, अखबार में कोई इंसान लाइलाज बीमारी जिसको थी वो रब को प्यारा हो गया। तो मैंने क्या किया, एल का 5, ए की कोडिंग नहीं करते, आई की कोडिंग नहीं करते, ए की कोडिंग नहीं करते, तो ये बन जाएगा 5 5 6, इसके आगे हमने 1 लगा दिया तो ये बन गया 1 5 5 6, ठीक है। अब रब की में रब की कोडिंग देखते हैं, आर की कोडिंग, आर का मतलब 4, ए की कोडिंग नहीं करते, बी का मतलब 9। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अकबर का जो ड्यूरिंग, अकबर का जो ड्यूरेशन था वो था 1556 टू 1605। जो नेक्स्ट है हमारा वो है जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या था, उसका ड्यूरेशन था 1605, उसने रूल किया था 22 ईयर्स तक। तो देखिए हमने कोडिंग कैसे करी है, हमने किया है 6 के लिए, 6 के लिए जी, 6 के लिए जी, ए की कोई कोडिंग नहीं, जेड का 0, ठीक है, ए के लिए कोई कोडिंग नहीं, एल के लिए 5। हमने क्या किया है, आप देखिए हमने 605 की कोडिंग कर ली और 1 खुद से लगा दिया, ठीक है। इसके बाद 22 की कोडिंग क्या होती है, एन एंड एन, तो हमने क्या कर लिया इसके लिए, ए के लिए कोई कोडिंग नहीं, ए के लिए कोई कोडिंग नहीं। अब इसके लॉजिक कैसे लगाए, इसको याद कैसे करें, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको कोई सा भी एक सूडो लॉजिक लगाना है, जिस जो एक्चुअली एक लॉजिक नहीं है बट आपको मानना पड़ेगा वो लॉजिक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है गजल, यहाँ पे क्या है नाना, तो आप ऐसा बोलिए कि जो लोग भी नाना का गजल सुनते हैं, नाना मिस नाना पाटेकर, वो लोग जहां होते हैं वहीं गिर जाते हैं, ठीक है। जो लोग भी नाना पाटेकर का गजल सुनते हैं वो लोग जहां होते हैं वहीं गिरते हैं।
ठीक है। तो ऐसे आपको याद होगा कि जो भी लोग नाना पाटेकर का गजल सुनते हैं वो वहीं गिर जाते हैं। इससे बहुत इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा 1605 और 1627 तक इनका ड्यूरेशन था, ठीक है। अब औरंगजेब देखिए, अगेन इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना ऐसे वर्ड्स में, ये सारे वर्ड्स अननोन है आपके लिए, तो इसको याद करने के लिए आपको वो सारे वर्ड ढूंढने होंगे, वैसी लॉजिक लगानी पड़ेगी जो आपके लिए कॉमन है, जो आपके लिए कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे क्या, औरंगजेब, औरंगजेब में क्या कॉमन है, कॉमन है जेब मतलब पॉकेट, ठीक है। अब इसके लिए हम कोडिंग कोडिंग क्या करते हैं, इसके लिए हम कोडिंग करते हैं। देखिए जे का कितना होता है, जे का 6, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा हुआ, आप चेक कर लेंगे एक बार। जे के लिए 6, यू के लिए कुछ भी नहीं, एल के लिए 5, एफ के लिए 8 और ई के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। और मैंने बताया आपको, आप 1 खुद से लगा सकते हैं, 1658, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या लिखा, रुपए, रुपए में क्या, आर के लिए 4, यू के लिए कुछ नहीं, पी का 9, वाई के लिए कुछ भी नहीं और ई के लिए भी कुछ भी नहीं, मतलब ये हो गया 49 ईयर्स। मतलब इनका जो ड्यूरेशन था 1658 से 1600, मतलब इसमें आप 49 ईयर्स ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1707 तक, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको याद कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जेब, क्या है जेब, अब याद रखिए, आपने देखा होगा जेब, जुल्फे, यहाँ पे क्या निकला, जुल्फे, और यहाँ पे रुपए, मतलब जो लोग जेब कतरे होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, उनकी जुल्फी बड़ी होती है और वो क्या करते हैं, रुपए निकाल लेते हैं। जो पॉकेट मार होते हैं, जेब कतरे होते हैं, उनकी जुल्फे बड़ी होती है, ऐसा मान लो, क्योंकि जुल्फे बड़ी होती है, जो पॉकेट मार होते हैं, जो जेब कतरे होते हैं, उनकी जुल्फे बड़ी होती है, वो आपके पॉकेट से रुपए निकाल लेते हैं, ठीक है, आपकी जेब से वो रुपए निकाल लेते हैं। आप ये लॉजिक लगाएंगे, आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा, जब भी जेब की बात आएगी आपको जुल्फे दिखेंगी, जुल्फे वाले लोग क्या करते हैं, वो लोग रुपए निकालते हैं आपकी पॉकेट से, ठीक है। ये सारे सूडोलॉजिक है फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, सारे सूडोलॉजिक है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए है, सो दैट कि सारे इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाए, बैठ जाए। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट नेक्स्ट में क्या हमारा, बहादुर शाह, क्या है, बहादुर शाह, इनका जो ड्यूरेशन था वो था 1707 से 5 ईयर्स तक, इन्होंने किया था कब तक, 1712 तक, ठीक है। अब सिंपल मैंने कोडिंग करी, के का 7, आई के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है, एस का 0, के का 7, ई के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है, यहां पे क्या है, एल, एल के लिए का 5, बाकी इन तीनों कोडिंग नहीं होगी। अब कैसे इसको हम याद रखें, इसके लिए क्या लॉजिक लगाए, तो देखिए क्या है, बहादुर, क्या है यहाँ पे, बहादुर, अब आप बोलिए कोई भी इंसान बहादुर है, कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बींग वो बहादुर है, बट वो बहादुर है किसके लिए, वो बहादुर है, सपोज आपने कहा कि मैं बहुत बहादुर हूं, ठीक है, तो कोई पूछता है अच्छा आप बहादुर किसके लिए हो, तो इसका लॉजिक क्या है, अगर कोई पूछता है मैं बहादुर हूं तो किसके लिए, लॉजिक क्या है इसका, बहादुर किसके लिए, बहादुर किसके लिए, आपको इससे इसका ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है जहादार शाह, जहादार शाह, जहादार शाह का जो हमने कोडिंग किया है उसमें उसका है, इसका था 1712 से 1713 तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका लिखा है के आई टी एन ए, ठीक है, कितना, डी आई वाई ए, दिया, मतलब कितना दिया। अब जहादार से फैमिलियर वर्ड, कॉमन वर्ड कौन सा हमने बनाया, जमींदार, ठीक है। अब आप सोचिए, जैसे अभी कुछ भी, जैसे अभी अब एक कोरोना फैला हुआ है, तो आप दिमाग में लगाइए कि चलो ठीक है, जहादार जो है, जमींदार जो है, उसने इसमें कितना डोनेट किया, जमींदार जो है उसने इस कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट को कितना दिया, गवर्नमेंट को कितना दिया। फ्रेंड्स ये सारे चीजें जो मैंने अभी लिखा है, आपको लग रहा होगा कि आपको याद नहीं हुआ है, बट एक बार आप अपनी आंखें बंद करें और ट्रस्ट मी, आप सबको वन बाय वन रिपीट करें, आप देखेंगे सबके आंसर्स आपको लर्न है, सबका नेम लर्न है, सबके इयर्स लर्न है, कितने साल तक उसने रूल किया वो भी लर्न है। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट जो स्टडी है वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। थैंक यू।